पिछले एपिसोड ने हजारों लोगों को इंस्पायर कर दिया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शुरू करने के लिए, क्योंकि निखिल की ट्रांसफॉर्मेशन ही कुछ ऐसी है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर वो देख कर आइए। और आज के एपिसोड में मैं आपको डेडलिफ्ट करना इतने अच्छे से सिखाने वाला हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। कि ये जो है ये एकदम गोली की तरह आगे जाए, टाइट कर ले, टाइट कर ले, ठीक है। अगर ये पीछे चले गए तो मेरी सारी एक्टिवेशन कॉर्ड्स में आ रही है, मेरे कॉर्ड्स पहले ही टायर्ड हो गए। डू यू नो व्हाट एन एथलेटिक स्टांस इज? इसको मैंने अगर ओवर आर्च किया तो ये सारा लोड है वो सारा लोअर बैक पे आएगा, लोअर बैक विल ब्रेक। देखो भाई पतली पतली कमर, तो इसको ग्रेसिलिस कहते हैं, इस पार्ट को जहां पे यहां पे हड्डी होती है इसको। चलो आओ, ठीक है। सो टू परफॉर्म अ डेडलिफ्ट सबसे पहले ना हमें ये ध्यान रखना है कि वो डेडलिफ्ट कितना ऊपर है ग्राउंड से या कितना नीचे है। अब ये एम्प्टी बारबेल वाला जो डेडलिफ्ट है इसको परफॉर्म करने का कोई पॉइंट नहीं है अंटिल एंड अनलेस आप सिर्फ वार्म अप कर रहे हो। वार्म अप के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा नीचे जा सकता हूँ, एंड दैट वुड बी अ स्क्वाट, ठीक है। यहाँ पे मैं डेडलिफ्ट नहीं कर सकता ऐसे, तो इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे होना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है। अगर ये रॉड जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें प्लेट लगी हो तो वो यहाँ से उठाऊंगा मैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर मैं कोई ऐसा जिसकी मोबिलिटी ही नहीं है, सो ये चीज जो है इसको कहते हैं टिबियालिस, इसको कहते हैं काफ, ठीक है। तो जो टिबियालिस है ना इसमें कभी कभार मोबिलिटी नहीं होती बंदों की, क्योंकि एक्सेसिव रनिंग करते हैं उस टाइटनेस आ जाती है। तो इसको सबसे पहले डेडलिफ्ट से पहले वार्म अप करना है हमने, कि पीछे हम अपने आप को ऐसे दीवार पे लगा लेंगे, ठीक है। अभी करवाऊंगा आपको, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे हम काफ रेस करते हैं तो ऑपोजिट तरीके से हमने टिबियालिस को ये करना है, ठीक है। सो दैट इट गेट्स एक्टिवेटेड करके ये भाई मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर लूं सेशन? नहीं पूरा हो रहा है भाई, अच्छा यूट्यूब पे जाएगा भाई, अच्छा ये टाइम पास होना है माँ फिर वो, ठीक है। तो ये सिर्फ अपर बैक लगी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं लगा हुआ। नाउ पैरों को और आगे कर थोड़ा, ठीक है। नाउ ट्राई टू फ्लेक्स दिस, ठीक है पूरा। हाँ यस यस यस, हो रही है ना एक्टिवेशन फील, ठीक है। बस 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 बस, तो इसके हमने अगर 3 से 4 सेट लगाए तो इससे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन हमें एडेड मिल जाएगा, क्योंकि जब हम अब हम तो टेस्ट करेंगे स्क्वाट मार के कि हमारा नी कितना आगे जा पा रहा है। तो एक एग्जांपल, अगर ये टाइट है तो मैं स्क्वाट मारूंगा तो मैं यहाँ पे आगे ऐसे रुक जाऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं यहाँ से नीचे जा नहीं पा रहा, क्योंकि ऐसा लगेगा ये फट जाएगा, टूट जाएगा, तो मैं चीट करने की कोशिश करूंगा, मैं फिर ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, या फिर मैं ये ऐसे कर लूंगा। तो उससे हमें प्रिवेंट करना है, हमें टेस्ट करना है कि हम परफेक्टली नीचे जा पा रहे हैं कि नहीं। अब मेरा टिबियालिस खुला हुआ है, मैं आराम से आई एम एबल टू परफॉर्म अ स्क्वाट, ठीक है। करके देखो एक बार अब टेस्ट, हाँ ठीक है। अब एक और तरीका है इसको टेस्ट करने का, देखो आगे लेके जाना है और मुझे देखना है कि आसानी से जा पा रहे कि नहीं, ठीक है। वापस आना है, ठीक है, खुला हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये कितना आगे जा रहा है, धीरे 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 धीरे, मेरे यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, आगे जा रहा है। ये परफेक्ट एंगल है, इससे पता लगता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, मोबिलिटी है। अगर ये यहाँ पे रुका होता 90 डिग्री पे या यहाँ पे रुका होता तो मैं कहता कि ये टाइट है, पर अगर ये इट इज एबल टू गो फॉरवर्ड फ्रॉम योर टोज तो ये इनफ है मोबिलिटी। जब मोबिलिटी आ गई हमारे पास तो हमारे लिए वो मुश्किल खत्म हो गई, जहाँ पे मैं आपको ये कह सकता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ये क्रॉनिक टाइटनेस होती, ये एक्सरसाइज से भी ना जा रही होती, सो हम क्या करते, हम सीधा रैक पुल्स करते। मैं आपको सीधा कहता कि भाई इतना नीचे जाना ही नहीं, सीधा यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। सो नाउ सिंस यू आर हेल्दी इनफ, अब मैं आपको बता दूं कि डेडलिफ्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो कि यहाँ पे 25 की प्लेट लगी, यहाँ 25 की प्लेट लगी, जो भी लगेगी, ठीक है। अब आप जब डेडलिफ्ट करते हो आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि भाई मुझे अपना डेडलिफ्ट जो है ना वो अपनी पोस्टीरियर चेन ऑफ द बॉडी से उठाना है, क्योंकि डेडलिफ्ट क्या है, पूरी पोस्टीरियर चेन क्या होती है, दो चेन होती है हमारी बॉडी की, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब फ्रंट चेन, पोस्टीरियर मतलब बैक चेन। उसमें आता है हमारी पूरी बैक, रोम्बॉइड्स, हैम्स, ग्लूट्स, काफ्स, जितनी भी पीछे की साइड है हमारी हाफ, ठीक है, उसको एक्टिवेट करना है हमने मेनली। अब जब मैं नीचे हूं, ये मेरी स्टार्टिंग पोजिशन है, अब मुझे देखना है कि मेरे जो लैट्स हैं वो इस बारबल के पैरेलल हैं कि नहीं, ठीक है। कुछ कुछ बंदे क्या करते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो स्क्वाट मारते हैं, ठीक है, विच इज रॉन्ग। कुछ कुछ बंदे क्या करते हैं, वो ऐसे होते हैं, ऐसे दे आर जस्ट लाइक दे आर नॉट यूजिंग देयर लोअर बॉडी। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा स्टैंड पॉइंट निकालना है, प्लेट लगा के दिखाता हूँ। अभी तक क्या समझ आया आपको? मेरे को ये जो आपने सेकंड वाली चीज बताई ना, हाँ। मेरे को यही इशू है, हाँ। कि मैं अपनी लोअर बॉडी शायद यूज नहीं करता हूँ। मैंने खुद को भी रिकॉर्ड करके कई बार देखा है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। 99% लोग वही गलती करते हैं और इस वीडियो के थ्रू उनकी हेल्प होगी। नाउ वी हैव द प्लेट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा कि मेरी स्टार्टिंग पोजीशन सही है कि नहीं। मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है,
अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस पोजीशन में क्या इशू है, ठीक है? ठीक है, इसमें क्या इशू है? इसमें यार आपके लैट्स नहीं खुले हुए। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या इशू है। इसके अंदर ये इशू है कि ये रॉड जो है ये मेरे लैट्स के पैरेलल नहीं है, लैट्स पीछे चले गए, ये लैट्स के पैरेलल नहीं है, एंगल ही हो गया ना, ये लैट्स के पैरेलल 180 डिग्री बनना चाहिए। अच्छा। मेरे लैट्स जो है वो मेरे रॉड के पैरेलल हो। अब अगर ये पीछे चले गए तो मेरी सारी एक्टिवेशन कॉर्ड्स में आ रही है, मेरे कॉर्ड पहले ही टायर्ड हो गए, लीक हो गई एनर्जी। दूसरी मिस्टेक, केस टू, मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरी स्टार्टिंग पोजिशन है, इसमें भी मेरे लैट्स पैरेलल नहीं है, नहीं, आगे हैं, और शोल्डर्स भी बहुत आगे हो गए। अब इसमें क्या है, एक्सेसिव यूसेज ऑफ द हैमस्ट्रिंग। या तो मैं अपनी हैमस्ट्रिंग को इतना ज्यादा यूज कर लूंगा बैक स्ट्रेट करने के चक्कर में कि वो हैमस्ट्रिंग फट जाएगी हैवी लोड पे, या तो मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा एंड आई विल परफॉर्म अ डेडलिफ्ट लाइक दिस, तो लोअर बैक चली जाएगी। ठीक है, जो बंदे करते हैं, सही पोस्चर है लैट को 180 डिग्री पे फिक्स करना है। अब ये रे बारबल, ये रहा मेरा हाथ। सबसे पहली बात बताने भूल गया मैं, ग्रिप क्या रखनी है। डिफरेंट ग्रिप्स होती हैं, सारी ग्रिप्स सही हैं। अब कुछ बंदे कहते हैं कि ये ग्रिप गलत होती है डेडलिफ्ट की, ठीक है, दिस इज नोन एज स्नैच ग्रिप। कभी देखा आपने किसी बंदे को कुछ ऐसा करते हुए? फिर ओलंपियन ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्नैच, तो दिस इज स्नैच ग्रिप। अब कुछ बंदे ये वाली ग्रिप करते हैं, कुछ बंदे ऑल्टरनेट ग्रिप करते हैं, कुछ बंदे सोमो स्क्वाट करते हैं, तो उनका ग्रिप यहाँ पे होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड व्हाट यू आर एमिंग फॉर, ठीक है। अगर हमने नॉर्मल एक रोमेनियन डेडलिफ्ट करना है तो उसमें हमने जो शोल्डर है उतनी ही ग्रिप रखनी है, स्लाइडली वाइडर कर सकते हो ताकि आप अपने लैट्स को अच्छे से एंगेज कर पाओ, ठीक है। अब जब आपने ग्रिप फिक्स कर ली है तो आपने एक पोस्चर बनाया जिसमें आप पूरे गलत हो। अब टाइम है उसको एडजस्ट करने का, कैसे? अब मुझे, अब मैं ले आया, अब मैं चेक कर रहा हूँ मेरे लैट्स जो हैं आगे पैरेलल। अब इसमें क्या गलती है, मेरी जो पूरी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर है। मुझे जब डेडलिफ्ट करना है मुझे ये ध्यान रखना है कि जब मैं इसे पिक करूँगा ग्राउंड से तो मेरे लैट्स तो एंगेज हो पर मेरे जो ग्लूट्स हैं और मेरे जो शोल्डर हैं, ध्यान से देखना, ये साथ में ऊपर आएंगे। बंदे क्या गलती करते हैं, जो मैं भी करता था पास्ट में, वो ऊपर फेंक देते हैं इसको। जैसे जब मैं स्टार्ट करूंगा तो अब बात काम वही आ, सारा बात वही आ गई, वो ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है। सो लैट्स पैरेलल, कोर ब्रेस्ड अप, एवरीथिंग ब्रेस्ड अप। नाउ आई विल टेंड टू बेंड द रॉड। जब मैं उठाना शुरू करूंगा तो मैं ये करने की कोशिश करूंगा, जब मैं इसे बेंड करूंगा तो रॉड तो बेंड होगी नहीं, एल्बोज हैं ये इंटरनली रोटेट हो जाएंगे। इससे होगा क्या, आपको ऐसे इमेजिन होगा कि आपके लैट्स एंगेज हो गए। स्टेप वन क्या है, बेंड द रॉड, रॉड बेंड नहीं होगी, एल्बोज इंटरनली रोटेट होंगे। उसी टाइम पे इमेजिन करना है कि हमारे अंडर आर्म एक संतरा है, उसको हमने स्क्वीज करना, फोड़ना है, तो उससे पूरे के पूरे लैट्स एंगेज हो जाएंगे, खड़े खड़े भी हो जाएंगे अगर आप ऐसे करोगे ना, करके देखो, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ संतरा है, मेरे को इसको फोड़ना है, लैट्स एंगेज हो रहे हैं, तो बस यहाँ पे हमने लैट्स को पैरेलल किया, कोर को ब्रेसअप किया, तो मैंने पैर को थोड़ा सा नैरो कर लिया। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली अपने आप को स्टडी करना है सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अपने आप को नैरो कर लिया, नाउ आई विल ट्राई टू बेंड द रॉड, और ये इमेजिन किया मैंने कि मेरे अंडर आर्म में संतरे हैं, उन संतरों को फोड़ा, नाउ ग्लूट्स और शोल्डर साथ में उठेंगे। दिस इज वॉट अ डेडलिफ्ट इज। अब एक और मिस्टेक, बाउंस करते हैं लोग हर रेप के बाद। दिस इज नॉट हाउ यू परफॉर्म अ डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में आपको तरीके से एक रेप मारा आपने, नीचे गए, वेट को डेड करना है, ठीक है, नीचे गए, छोड़ दिया वेट, वापस से पकड़ा, वापस से सारा प्रोसीजर किया, ब्रेसअप किया एंड ये छोड़ा, ब्रेसअप एंड ये, यू विल फील इट, एक बार करके देखो। स्टेप वन, नीचे जाओ, अपने हिसाब से पकड़ लो सब कुछ, गलत पोस्चर में आ जाओ बिल्कुल। नाउ लैट्स और बार को शीशे में देखो अपने आप को, ठीक है। अब देखो आपके नीज इनवर्ड्स हो रहे हैं, इनवर्ड जा रहे हैं बिल्कुल। सो ट्राई टू एक्सट्रोवर्ट योर नीज। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन एक टर्म होता है, जब हम खड़े होते हैं तो हम ये करवा रहे हैं ना, ये कर पा रहे हैं ना, तो ये एक्सट्रोवर्जन है, बाहर की तरफ रोटेट करो, ठीक है। तो जब हम नीचे होते हैं तो हम एक्सट्रोवर्ट करते हुए जाएंगे नीज को, ठीक है। अब एक रेप मार के देखो, ग्लूट्स और शोल्डर साथ में ऊपर चढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट। दिस इज व्हाट अ डेडलिफ्ट, साइड से दिखा, सीख गया बंदा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, रिलैक्स,
तो भाई कैसा लगा? ये तो मैं सीख गया यार, बहुत इजी था। मैं क्या करता था हमेशा बताओ। अब मैं ना ये करता था, बिफोर दिखाते हैं। मैं पहले ऐसे रहता था, अब मैं सोचता था बैक स्ट्रेट है, अब मैं ऊपर, अब तो मैं सीधे सही कर रहा हूँ ना, अभी सही हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब मैं भूलना नहीं चाह रहा, सच बताओ। समझ गया, मैं गलत फॉर्म करना ही नहीं चाह रहा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया कि उस टाइम पे लगता था कि सिर्फ धर्म में मेरा बैक स्ट्रेट हो गई। अब उसके बाद यही मैं बता रहा था कि अगर मैंने बैक स्ट्रेट कर ली, बहुत सारे मैंने जैक्ड बंदों को देखा जिम में कि वो क्या करते हैं, आते हैं पीछे लगा रखे म्यूजिक, बिल्कुल ठीक है, बैक स्ट्रेट है और उसके बाद बस ये जा रहा है कहीं और, ये जा रहा है कहीं और, बस बैक को बेंड नहीं होने देना। मैं वही सोचता था कि मेरी लोअर बैक इंजर ना हो। और मैं एक बात बताता हूँ, बैक स्ट्रेट करने से लोअर बैक इंजर भी हो सकती है। कैसे? ओवर आर्चिंग। जब हमें लगता है कि हम सिर्फ बैक को स्ट्रेट करके रखें, सपोज मेरे को डेडलिफ्ट नहीं करना आता, मैं भूल गया, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे सर ने कहा था कि मेरे को सिर्फ बैक स्ट्रेट रखनी है, तो ये होगी मेरी बैक स्ट्रेट, मेरे को ऑलरेडी ये पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, मैं ओवर टाइट करके खड़ा हूँ कि मेरे को बैक स्ट्रेट रखनी है बस, ठीक है। अब मैं ऐसे ही नीचे जाऊंगा, ठीक है, और मेरे को बैक स्ट्रेट में डेडलिफ्ट मारना है और कुछ भी हो जाए, बस मैं बैक को बेंड नहीं होने दूंगा, ठीक है। फिर भी मैंने सही मार दिया, क्योंकि मैं वही है कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। पर इसमें दिक्कत यह है कि बैक स्ट्रेट करने के चक्कर में जो हैवी वेट होगा, जब मेरी बैक बेंड होना चाह भी रही होगी ना, जो एक नेचुरल बेंड होता है, ठीक है, उसको भी मैं स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से जो हमारी लोअर बैक है, सपोज ये लोअर बैक है, इसको मैंने इतना फ्लेक्स कर रखा है, इसको कहते हैं ब्रेसिंग ऑफ द कोर, ठीक है, जिसमें लोअर बैक भी हो जाती है। इसको मैंने अगर ओवर आर्च किया तो ये सारा लोड है वो सारा लोअर बैक पे आएगा, लोअर बैक विल ब्रेक। डू यू नो व्हाट एन एथलेटिक स्टांस इज? नो भाई। एथलेटिक स्टांस एक बेसिस है कोई भी एक्सरसाइज को करने के लिए। हाँ जी। एक बेस है जिसको आपको एक्वायर करना है। एथलेटिक स्टांस का मतलब है, आओ सिखाते हैं। सो एथलेटिक स्टांस का मतलब है, सो यू गॉट योर रोम्बॉइड्स, ये इनको इनको कहते हैं रोम्बॉइड्स। अब इसको आपने डाउनवर्ड्स को पुल करना है ताकि आपकी लैट एंगेज हो जाए, ठीक है। क्या फील हो रहा है यार, मजेदार मसल, ठीक है। सो वंस योर रोम्बॉइड्स आर फ्लेक्स्ड, आपका जो पूरा ये कैविटी, थोरेसिक कैविटी और ये जो चेस्ट है, ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। नाउ आपकी अपर बॉडी पूरी एंगेज्ड है, अब आपकी कोर एंगेज्ड नहीं है। कोर एंगेज्ड को करने के लिए देखो भाई, पतली पतली कमर, तो इसको ग्रेसिलिस कहते हैं, इस पार्ट को जहाँ पे यहाँ पे हड्डी होती है, इसको नीचे कर ले टीचर को। सो इस ग्रेसिलिस को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, हमने वैक्यूम नहीं करना। कोर को ब्रेसअप का मरने का मतलब है कि अगर मैं आपको मुक्के मारने वाला हूँ तो आप उसको टाइट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेयरिंग अ बेल्ट, तो बेल्ट जो पहनते हैं तो हम उस बेल्ट को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोर ब्रेसअप करना कहते हैं। टाइट कर ले, ठीक है, इसको कहते हैं कोर ब्रेसअप करना। कोर ब्रेस्ड अप हो गई, ये रोम्बर्ट्स पीछे को हैं, सांस आराम से रिलैक्स, ठीक है, ब्रीद इन प्रॉपरली, चेस्ट बाहर है, हल्के से कोर्ड्स को एंगेज करना है, हल्का सा नी को बेंड करना है, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज एंगेज्ड, दिस इज व्हाट एन एथलेटिक स्टांस इज। चाहे आपको बेंच प्रेस करना है, चाहे आपको बाइसेप कर्ल करना है, चाहे आपको डेडलिफ्ट करना है, एथलेटिक स्टांस सबसे पहले एक्वायर करना है। तो जब मैं खड़ा होता हूँ, आपने देखा होगा वीडियोस में भी, मैं खड़े होकर डेडलिफ्ट करने से पहले ये सब कर रहा होता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ एंगेज कर लेता हूँ, जब सब कुछ एंगेज है फिर मैं नीचे जाता हूँ, अपने लैट्स को पैरेलल लाता हूँ उसके बारबल के, एंड देन सब कुछ जब एंगेज है, देन आई मेक श्योर कि मेरे जो ग्लूट्स और शोल्डर्स हैं वो साथ में ऊपर आए, एंड जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना डेडलिफ्ट के, तब मेरा एम होता है कि ये जो है ये एकदम गोली की तरह आगे जाए, ऐसे डेडलिफ्ट करना है, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए लो वेट पे आप पॉज्ड डेडलिफ्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको कभी वर्कआउट में दिया कि भाई डेडलिफ्ट के चार सेट करने हैं, दस 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 के, तो आपने कहा कि भाई एकांश भाई मैंने ना चार में से दो सेट पॉज डेडलिफ्ट करे, जिसमें मैंने लोड हटा दिया खाली रॉड पे, मैं यहां से यहां तक आया, मैं यहाँ पे दो सेकंड का पॉज मारा ताकि मैं उस वहां पे उस पोस्चर को मैं समझ पाऊं कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, कि मैं कहीं यहाँ ऐसे तो नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं हूँ, यहाँ पे अपने आपको एडजस्ट किया, और यहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया कि मैं अपनी एज को गोली की तरह आगे कैसे मार सकता हूँ। सो दैट विल गिव यू अप्रोप्रियोसेप्शन, मतलब कि समझा देगा रेजिस्टेंस प्रोफाइल को कि मेन सेट्स में भी कैसे बेटर होना है। एक बार में 10 रेप्स मारो, परफेक्ट, परफेक्ट, शूट, बढ़िया, नीचे एज पहले ऊपर चली गई थी, ठीक है, अब एज और शोल्डर को कट्ठे ले जाना है, फोकस, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, लैट्स पैरेलल, ठीक है, हाँ, पॉज होना ऊपर जाके, पॉज, ठीक है, और ऊपर जाओ, पॉज, शूट, बढ़िया, रैप, मैंने शूट नहीं बोला था, चलो चलो कम ऑन, फोकस, पॉज, शूट, बढ़िया,
So when you practice this for 4 to 6 weeks, you will understand the resistance profile. And then इस पे आप better होते चले जाओगे. लेकिन deadlift सीख गया भाई मैं. सीख गया. अब मेरे को वो नहीं भूलना. गलत करनी नहीं. कोई किसी और को सिखा दोगे? हाँ पक्का. तो जिसको भी सीखनी है हम निखिल को ना वीडियो कॉल कर लेना इंस्टाग्राम पे. Tell your Insta ID भाई. A guy called Nikhil. Aye. A guy called Nikhil. ठीक है. DM him. तो जो मैंने सबसे पहले point सीखा भाई कि मेरे shoulders और मेरे एथलेटिक स्टांस ये होना चाहिए. ये मैंने आज तक यूट्यूब वीडियो में. सेकंड, रॉड को होल्ड कैसे करते हैं. अब सब ग्रिप्स बताते हैं भाई कि आपकी अल्टरनेट ग्रिप है, ये स्नैच ग्रिप है, ऐसे पैरेलल टू शोल्डर ग्रिप है. ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बता दें, प्रैक्टिकलिटी में कोई वो नहीं. मतलब अपनी कोई देसी भाषा देसी बोल दो या फिर अपने तो बढ़िया चलेगी ना वीडियो. पक्का भाई. तो भाई अगर आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो थैंक निखिल, क्योंकि निखिल मेरे पास आए, मुझे तो पता भी नहीं था मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ. तीन केसेस का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि आप एथलेटिक स्टांस को एक्वायर कर लो, लैट्स को पैरेलल रखो, एंड देन इमेजिन कि जब आप ऊपर आ रहे हो तो आपके शोल्डर्स और आपके ग्लूट्स साथ में ऊपर आए. एंड रिमेंबर व्हेन टू शूट. इफ यू डोंट नो हाउ टू शूट, लुंगी डांस क्यों लग रहा है. सो इफ यू डोंट नो हाउ टू शूट, आप जब हैवी वेट्स कर रहे होगे तो आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, एंड मे बी आप अपने आप को इंजर कर दो या फिर हैवी कभी उठा ना पाओ. सो एक पावर लिफ्टिंग टेक्निक है ये. आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. अगर कोई हेल्प हुई हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. अगर छोटी बनी हो आई डोंट नो, अगर लंबी बनी हो आई डोंट नो, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड दिस वीडियो टू बी डेडिकेटेड टू डेडलिफ्ट. अगर कोई सर्च करे हाउ टू डेडलिफ्ट विद अ गाय कॉल्ड निखिल एंड एकांश अनेजा फिटनेस, थंबनेल पे हम दोनों दिख रहे होंगे ऐसे, दोनों फ्लेक्स करते हुए ऐसे दिख रहे होंगे. So I hope we hope you loved the video. Thank you so much for coming, bhai. Thank you so much, bhai. और आपकी transformation ने कितनों को inspire किया होगा? इस आदमी को email करो, DM करो, reply ना करे तो email करो. नहीं भाई, मेरी transformed. और मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने ना खाई हो. कल मैं रसमलाई खा के आया हूँ. एब्सोल्युटली ठीक है, रसमलाइयां खाई है मैंने, मेरे को कोई टेंशन नहीं. also, मेरे कितनी कैलोरी. अगर आप अभी कोई चेन स्मोकर हो और ऐसा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ बर्बाद है तो ये बता दे भाई कितनी फूकता था दिन की. ये हाँ बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको नंबर नहीं दूंगा. हाँ. लेकिन आप जो सब्सटेंस सोच सकते हो वो मैंने यूज किया हुआ है. एंड ही इज गॉटन ओवर दैट. सो एडिक्शन कोई ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो खत्म ना हो पाए, अगर आप चाहते हो तो. ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं. हम जाएंगे, अब थोड़ा वर्कआउट करेंगे बढ़िया सा, कैमरा बंद करेंगे. वैसे ही मैं बहुत थका हुआ हूँ. आई लव यू ऑल, बाय गाइस.